हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दर्पण विधि द्वारा सीखना हिंदी में, ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की फाइल आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके पार्ट्स और भी जो है प्रैक्टिकल के, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ना कुछ नया अनुभव करता है। इस अनुभवों से उनका व्यवहार में निरंतर बदलाव आता रहता है। इस प्रकार दैनिक अनुभवों के एकत्रीकरण और उनके उपयोग को सीखना कहते हैं। समायोजन की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन होता रहता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सीखना या अधिगम कहा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया स्वतः सतत और जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम की परिभाषाएं क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना है। फ्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। गिलफोर्ड के अनुसार हम इस शब्द की परिभाषा विस्तृत रूप से यह कह सकते हैं कि सीखना व्यवहार के परिणाम में कोई परिवर्तन है। गेट्स और अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। फिर अधिगम की प्रकृति पर आ जाते हैं। अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूर्णता अर्जित ही होता है, या यूं कहें कि यह व्यवहार जन्मजात नहीं होता। अधिगम हमें विरासत में प्राप्त नहीं होता, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हमारे द्वारा स्वयं ही अर्जित किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार के अर्जित व्यवहार अधिगम की विशेष प्रकृति क्या होती है तथा उनमें किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रश्न का बहुत कुछ उत्तर सीखने संबंधी परिभाषाओं एवं उनसे संबंधित सामग्री के आधार पर भली भांति प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम की विशेषता, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। सीखना परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना समायोजन है। सीखना वातावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से आना अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को नई परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुकूल बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखने का संबंध स्थिति के क्रमिक परिचय से है। सीखना विकास है। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है, फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखना नया कार्य करना, वुडवर्थ के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, परंतु उसमें उसने एक शर्त लगा दी है। उसने कहा कि सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य पुनः किया जाए और अन्य कार्यों के प्रकट हो। सीखना अनुभव का संगठन है। सीखना ना तो नया अनुभव की प्राप्ति है और ना ही पुराने अनुभवों का योग करना है, नया और पुराना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रकट होता है, सीखने की क्रिया उतनी ही तीव्र होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असंभव होता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है। मार्शल का कहना है कि सीखना यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही। सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है, परंतु इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। अधिगम की विधियाँ, अधिगम की विधियाँ निम्नलिखित हैं, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को
कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमनात्मक विधि कहते हैं, दूसरी विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाए तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य लिखकर तब शब्द और अंत में पूर्ण सिखाया जाए तो उसे विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। वस्तु विधि आभास, आरंभ में वस्तु विधि का सहारा लिया जाता है, अर्थात बच्चे को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। दृष्टांत विधि, इस दृष्टांत के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। इसमें मानचित्र, चित्रपट, कहानी, चुटकुले आदि आते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, सुकराती विधि। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इससे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से हमें सुकराती विधि इसे कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किया जाता है और उसके उत्तर के आधार पर ही उसके प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकाल लिए जाते हैं। करके सीखना, करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। शोध विधि, इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रोजेक्टर विधि, इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। वर्धा योजना या बुनियादी तालीम, इसकी प्रमुख विशेषता है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षण, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा स्वावलंबी हो अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के किए हुए कार्यों की बिक्री से आ जाए। अधिगम के प्रकार, अधिगम के प्रकारों का विभाजन अधिगम के सिद्धांतों, विधियों, अधिगम के ढंग तथा विषय वस्तु आदि बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। संवेदन गति अधिगम, इस अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल के अर्जन से संबंधित ज्ञान आता है। विविध प्रकार के कौशलों जैसे तैरना, साइकिल चलाना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। गमक अधिगम, इस अधिगम के अंतर्गत विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक शरीर के अंगों की गति पर नियंत्रण करना तथा उचित दिशा में संचित करना सीखता है। बौद्धिक अधिगम, इसके अंतर्गत बालक ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाओं को सीखता है जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण अधिगम, इसके अंतर्गत बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थिति को प्रत्यक्ष रूप में रख कर प्रतिक्रिया करता है। प्रत्यात्मक अधिगम, इस अधिगम के अंतर्गत बालक को कल्पना तथा चिंतन एवं तर्क का सहारा लेना पड़ता है। सहचर्यात्मक अधिगम, यह अधिगम व स्मृति के अंतर्गत आता है। प्रत्यात्मक अधिगम इसी अधिगम की सहायता से संपन्न होता है। रसानुभूति पूर्वक अधिगम, इस अधिगम के अंतर्गत बालक के संवेगात्मक तथा भावनात्मक वर्णन अथवा गुणों से प्रभावित होकर गुण तथा दोष की विवेचना करने की क्षमता आ जाती है। फिर अधिगम के नियम, मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम के नियम के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्नवत है, अधिगम का मुख्य नियम और अधिगम का गौण नियम। अधिगम के मुख्य नियम,
तत्परता का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख सकता है। तत्परता व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में योगदान देती है, जिससे क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। भाटिया के अनुसार तत्पर होना मतलब किसी कार्य को आधा कर लेना, आभास कर लेना। थंडाई के इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उससे संबंध स्थापित हो जाता है। कई बार आभास करने से अधिगम सरल हो जाता है और इससे कुशलता भी प्राप्त होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में ज्ञान के स्थायीकरण के लिए सिखाए गए ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को पाठ्य सामग्री बार बार दोहरानी चाहिए। छात्रों में अभिव्यक्ति विकास के लिए मौखिक रूप से विषय वस्तु का आभास अभ्यास आवश्यक है। प्रभाव का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने में से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है तो वह कार्य बार बार करने की इच्छा होती है। असफलता मिलने पर व्यक्ति कार्य को दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अधिगम का गौड़ नियम। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया के नियम के अनुसार अधिगम के विभिन्न उपायों और विधियों की खोज में अधिगम कर्ता का प्रयास उसी त्रुटि में सुधार करना है। अधिगम कर्ता को इस नियम के अनुसार अधिगम हेतु पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिससे वह कम से कम निरर्थक प्रयास करे। मानसिक स्थिति अथवा मनोविज्ञान का नियम। अधिगम को मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति अत्यधिक प्रभावित करते हैं। थंडाई के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, यह उसके समाज से समायोजन करने के पूर्व अनुभव, उसके विचार, संस्कृति आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह नियम यह बताता है कि शिक्षण क्रिया से पूर्व बालक को अधिगम हेतु मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत। इस नियम का दूसरा नाम अनुक्रिया का नियम भी है। इसके अनुसार अधिगमकर्ता समस्यात्मक परिस्थिति के सभी तत्वों के प्रति अनुक्रिया न करके कुछ चुने हुए तत्वों से अनुक्रिया कर सकता है। सदृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। इसका अर्थ यह है कि अनुक्रिया दो परिस्थितियों, समानता और सदस्यता के आधार पर होती है। इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव का उपयोग नवीन अधिगम परिस्थितियों में कर लिया जाता है। यहाँ पर अंतरण का सिद्धांत कार्य करता है। सहचर्य का नियम। सहचर परिवर्तन के नियम के नियम में अधिगमकर्ता की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। स्थान पूर्व तथा पश्चात की परिस्थिति के रूप में होता है, जिसमें समानता होती है। यदि अधिगमकर्ता को नवीन ज्ञान के प्रदान करते समय वही परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जो इसके पूर्व अधिगम के समय विद्यमान थी, तो अधिगमी पूर्व के अनुसार ही प्रतिक्रिया करेगा। पूर्व एवं नवीन स्थितियों में इस प्रकार की समानता स्थापित करना ही सहचर्य परिवर्तन है। आपको इस तरीके का ये पेपर मिलेगा जिस पर आपको प्रैक्टिकल करना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं प्रयोगात्मक पक्ष पर, जिस पर परीक्षण का नाम है दर्पण विधि द्वारा सीखना। उद्देश्य, परीक्षण द्वारा सीखने के हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना। फिर उसके बाद हमें विषयी का विवरण लिखना है, उसका नाम, आयु, लिंग और उसकी। प्रयोगात्मक पक्ष में ये आपको विषयी का पूरा विवरण देना है, फिर परीक्षणकर्ता का पूरा विवरण देना होगा।
शीट, स्टार की आकृति की लगभग 25 कॉपियां, पेंसिल, पिन, स्टार आकृति को सही जगह पर रखने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली। फिर प्रारंभिक तैयारी जो आपने की होगी, आपको उसके बारे में लिखना होगा, विषय को बैठाने के लिए उपयुक्त स्थान तथा सुविधाजनक फर्नीचर की व्यवस्था, परीक्षण के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था होना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। सावधानियाँ आपको लिखनी होंगी, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दबाव मुक्त होना चाहिए आपका विषय जो है, परीक्षणकर्ता को परीक्षण की पूरी जानकारी होनी चाहिए, परीक्षण के संबंध में विषय का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उचित ढंग से रखना चाहिए उपकरणों को ताकि वह गिर ना सके। फिर निर्देश भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे। इस परीक्षण में परीक्षण एक लकड़ी से बने उपकरण पर किया जाता है जिसमें एक स्टैंड लगा है जिसके ऊपर सनमाइका की परत लगी हुई है। उपकरण के दूसरी तरफ एक शीशा लगा हुआ है। परीक्षण की विधि जिसमें की पहली अवस्था है, फिर विधियों में प्रथम विधि पहली अवस्था, प्रयोग की पहली अवस्था में विषय अपने बाएं हाथ का प्रयोग करेगा और स्टार्ट पैटर्न पर अपने बाएं हाथ में स्टार्ट सुनने पर वामर्थ दिशा में पेंसिल चलाएगा। जब वह पुनः स्टार्ट पर पहुंचेगा तब उसका पहला प्रयास समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से उसको 3 प्रयास करने होंगे। इसी तरीके से दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था ये आपको लिखना होगा। इसमें तीसरी अवस्था के बाद ये तालिका आ जाएगी जिसमें तालिका में हम ग्राफिंग करेंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसी के आधार पर हम ये ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमें त्रुटियों की संख्या वगैरह सब देनी होगी और ग्राफ को उन रिजल्ट के हिसाब से हम ये ग्राफ बनाएंगे।
फिर आंकड़ों की संचालन तालिका, ये जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसी के हिसाब से हमें ये तालिका बनानी होगी कि कितने प्रयास किए हैं, फिर कुल लगने वाला समय कितना था, कितने सेकंड लगे थे, कितनी गलतियां हुई थी, कितना बाएं हाथ से हुआ था, और फिर उसके बाद इसकी प्रयोगशाला प्रयोगात्मक स्थिति कैसी थी। बाएं हाथ के प्रयोग, दाएं हाथ के प्रयोग, ये सारा सब कुछ आपको इस तालिका में ऐड करना होगा, जो आपको निरीक्षण करने के बाद, परीक्षण करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर ये परिणाम आ जाएंगे कि औसत समय में अंतर, परीक्षण करने के बाद, ग्राफिंग करने के बाद, तालिका बनाने के बाद उसका परिणाम क्या निकलता है, पूर्व परीक्षण का औसत समय, पश्चात परीक्षण का औसत समय, और फिर ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसके आधार पर आपको ये परीक्षण का परिणाम बनाना होता है। फिर औसत त्रुटियों में अंतर, त्रुटियों में कितने अंतर आए थे, कि कितने पहले प्रयास में कितनी त्रुटियां थी, दूसरे प्रयास में कितनी त्रुटियां थी, इस तरीके से करके आपको ये बनाना है। फिर ये तालिका जिसमें औसत, प्रयोगात्मक स्थिति और अंतर, त्रुटि पूर्व परीक्षण में 4 त्रुटि और पश्च परीक्षण में 1 त्रुटि और अंतर 3 का था, समय 96.66, फिर पश्चात वाले में 85.33 और कुल 11.33 का अंतर था। ये इस तरीके से तालिका बन जाएगी, यानी कि उस परीक्षण के दौरान परिणामों की व्याख्या 3 प्रयोगात्मक स्थितियों के लिए समय का औसत तथा त्रुटियों का औसत लिया गया, पूर्व परीक्षण के औसत समय में तथा त्रुटियों के औसत में अंतर धनात्मक आया, जो उपरोक्त परीक्षण के परिणाम को प्रदर्शित करता है। औसत समय तथा औसत त्रुटियां दोनों स्थितियों में अंतर धनात्मक आया, जो यह प्रदर्शित करता है कि जब विषयी ने दाएं हाथ से अभ्यास किया तो बाएं हाथ द्वारा चित्र यानी कि स्टार बनाने में उसके द्वारा लिए गए समय व त्रुटि में कमी आई। उपरोक्त परीक्षण के परिणाम की प्रक्रिया को हस्तांतरण का सत्यापित करता है, यानी कि बाएं हाथ नॉर्मली दाहिने हाथ से काम करते हैं, फिर उसी काम को जब हमने बाएं हाथ से किया तो पहली बार में गलतियां, दूसरी बार में गलतियां, तीसरी बार में वो सही आया, तो ये हस्तांतरण की विधि को सत्यापित करता है। फिर निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि उपरोक्त परीक्षण के परिणाम दाएं हाथ के अभ्यास के बाद बाएं हाथ के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। पूर्व परीक्षण की स्थिति में लिया गया औसत समय 96.66 सेकंड है और औसत त्रुटियां 4 हैं। इसके बाद जब दाएं हाथ से अभ्यास करने के बाद पुनः पश्च परीक्षण पुनः बाएं हाथ से किया गया, इस स्थिति में लिया गया औसत समय 85.33 सेकंड है और औसत त्रुटियां 1 है, अतः विषयी द्वारा लिया गया समय और त्रुटियां भी कमी रहीं। दाएं हाथ से अभ्यास का प्रभाव बाएं हाथ पर पड़ता है, यानी कि जो काम हम दाएं हाथ से करते हैं उसी काम को अगर हम बाएं हाथ से प्रैक्टिस करें तो हम बाएं हाथ से
से भी करना शुरू कर देते हैं। फिर अंतर्दर्शन का विवरण, इस प्रयोग को करके मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि जो आपका प्रयोग, जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, ये अपनी मन की बात इस पे यहाँ पर लिखेगा और अपने हस्ताक्षर नीचे करेगा कि उसे इस प्रयोग के बाद कैसा लगा, उसने कैसा फील किया, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। फिर शैक्षिक निहितार्थ पर आ जाते हैं कि शैक्षिक हित में ये प्रयोग कैसा है। यह प्रयोग सीखे गए ज्ञान तथा कौशल का बार बार अभ्यास करने अर्थात दोहराने की आवश्यकता पर बल देता है। यह प्रयोग बालकों में जागरूकता अर्थात सक्रियता तथा सतत परिश्रम जैसे गुणों का विकास करने में सहायक है। प्रोत्साहन के प्रेरणा के प्रभावशीलता को स्पष्ट करके सीखने का महत्व बताता है और इसमें गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। पहले वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। यह प्रयोग गंभीर चिंतन वाले विषयों जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या समाधान आदि का अध्ययन में भी उपयोगी है। तो ये इसका उपयोग ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में, ये किस तरीके से शैक्षिक निहितार्थ उपयोगी होता है। फिर संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसमें ये यहाँ आपकी आपको मिल जाएगा कि आपने ये जो मटेरियल तैयार किया है, जो आपने फाइल बनाई है, वो कंटेंट या वो टॉपिक, वो पॉइंट्स आपने कहाँ कहाँ से प्राप्त किए हैं, ये इन किताबों से प्राप्त करे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जो हम चैनल पर बनाए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।